नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ट्रांसजेंडर पीपल से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल के आ रही है और ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी जीएस पेपर टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जीएस पेपर टू के अंदर सोशल जस्टिस में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको बहुत काम आएगी। छोटी सी न्यूज़ है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। हालांकि ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इतनी छोटी सी वीडियो में नहीं समझाया जा सकता, बट जितना समझाया जा सकता है तो समझाऊंगा। और ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट का थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। देखिए, इस ऑनगोइंग पेंडेमिक के दौरान पे वीक और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेसिफिकली डिसएडवांटेज में, और उसमें भी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके खिलाफ ब्रूटल डिस्क्रिमिनेशन है। इस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन को वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 1500 रुपये की। तो COVID-19 पैंडेमिक में इन ट्रांसजेंडर्स को पूरे देश में मदद करने के लिए एक बार में 1500 रुपये दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। ये डिसीजन लिया गया केंद्र की सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। अब ये पैसे किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट देगी, राज्य सरकार देगी, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। ये जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत, इन्होंने ट्वीट में बोला है कि इमीडिएट सब्सिस्टेंस असिस्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ट्रांसजेंडर पर्सन को या इन ट्रांस पर्सन को, इसलिए इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाएगा। और जो भी ये बेनिफिट लेना चाहता है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। तो ऑब्वियसली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस? दिस इज़ बेसिकली सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस करती है सोशल जस्टिस से रिलेटेड इश्यूज के रिस्पेक्ट में, किसको? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को। ऑटोनोमस बॉडी है, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट 21 ऑफ 1860 और ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के साथ, ठीक है। इट इज़ अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ सोशल डिफेंस। कोऑर्डिनेट करती है, लाइजन करती है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करती है, स्टेट लेवल पे भी काम करती है, नेशनल लेवल पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करती है, और इसके अंदर सोशल वेलफेयर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स आ जाते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड सब कुछ। अगर ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन करना हो, वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स की बात हो, वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स की बात हो, बेगरी को रोकना हो, जितने भी प्रकार के और सोशल डिफेंस इश्यूज हैं वो सब आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के अंदर आ जाते हैं। तो प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव टूल्स को डेवलप करना, प्रोग्राम्स को डेवलप करना, पॉलिसीज को सजेस्ट करना सरकार को, ताकि सरकार नियम कानून बना के उन पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर सके, ये काम है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। याद रखिएगा, ऑटोनोमस बॉडी है, सोसाइटीज एक्ट 21 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के साथ, दिल्ली की गवर्नमेंट के साथ। और एक बात, सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है टू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। करती क्या है ये तो चलो एक बार को आप एसेस कर सकते हो, गेस कर सकते हो, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ये रटना पड़ता है, ठीक है भाई। तो ये याद रखिएगा और इस पर्टिकुलर न्यूज़ को भी याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि भाई ट्रांसजेंडर क्या है। ट्रांसजेंडर मतलब वो लोग जिनकी जेंडर आइडेंटिटी अलग है उस जेंडर आइडेंटिटी से जो उनको बर्थ के समय पे दी गई थी। तो यूजुअली जब एक बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उस बच्चे के फिजिकल फीचर्स को देख के बताता है कि ये लड़का है या लड़की है। अगर बेबी बॉय पैदा होगा तो वो बाद में मैन बनेगा, बेबी गर्ल पैदा होगी तो वो बाद में वुमेन बनेगी, ये नॉर्मल कर माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों की जेंडर आइडेंटिटी मिसमैच होती है, यानी बर्थ के समय पे डॉक्टर ने उनको जो जेंडर आइडेंटिटी दी और बाद में जो उनकी जेंडर आइडेंटिटी निकल के आ रही है उसको आप ट्रांस कह सकते हो। तो एक ट्रांसजेंडर वुमेन भले एक वुमेन की तरह रहती है लेकिन जब वो पैदा हुई तो डॉक्टर ने उसको प्रोक्लेम किया था मेल। एक ट्रांसजेंडर मैन एक मैन की तरह रहता है लेकिन जब वो पैदा हुई थी तो उसको डॉक्टर ने प्रोक्लेम किया था फीमेल। तो डॉक्टर ने उसको फीमेल प्रोक्लेम किया लेकिन बट शी वॉज अ, मतलब उसको अंदर से लगा कि ही इज अ मैन, और जब डॉक्टर ने किसी को मैन प्रोक्लेम किया बट अंदर से उसको लगा शी इज अ फीमेल। इस रिस्पेक्ट में एक मूवी है बोल करके, एक मूवी है पाकिस्तानी मूवी, उसमें जो घर होता है उसमें जो 4-5 बहनें होती हैं उनका जो सबसे छोटा वाला जो उनका भाई होता है ही वॉज एक्चुअली अ ट्रांसजेंडर, क्योंकि उसकी जेंडर आइडेंटिटी जो सोसाइटी ने उसको जेंडर आइडेंटिटी दे रखी थी उससे अलग थी, ठीक है। तो ये अब देखिए ट्रांसजेंडर बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने तो बहुत छोटे में आपको ये बता दिया है, बट इट्स अ ह्यूज टॉपिक। ट्रांसजेंडर्स के साथ वर्चुअली हर फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। अब तो खैर ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत सारे राइट्स ला दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये ट्रांसजेंडर अपने मन का जेंडर अडॉप्ट कर सकते हैं, तो ये अपने आप को मेल भी बोल सकते हैं, फीमेल भी बोल सकते हैं, अगर ये अपने आप को थर्ड जेंडर बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। इनमें आपके
वो लोग आते हैं जो कि ट्रांस मैन हैं या ट्रांस वुमेन हैं, पर्संस विद इंटरसेक्स वेरिएशंस, जेंडर क्वीज, उनको ऑल बहुत नामों से जाना जाता है, पढ़ सकते हैं। इस ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट के थ्रू क्या क्या किया गया, सबसे पहले तो एस्टैब्लिश किया गया नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस। ऑब्वियसली बात है, ये नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस उन पॉलिसीज को इवॉल्व करेगा, उन प्रोग्राम्स को चलाएगा जो कि ट्रांसजेंडर्स के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इनको सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी दी जाएगी, ये बोला गया इस एक्ट के अंदर। तो इस एक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन ट्रांसजेंडर है, इस बात को सरकार रिकॉग्निशन देगी। जब सरकार रिकॉग्निशन देगी तो इनके बेनिफिट के लिए बहुत अलग अलग प्रोग्राम भी चलाए जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, दे हैव द राइट टू रेजिडेंट विद पेरेंट्स एंड इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। कई बार अगर आप यूपी बिहार साइड रहते हो, आपने अपनी लोकेलिटी में देखा होगा, मैंने देखा है छोटे में, कि किसी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, वो एक ट्रांसजेंडर बच्चा था, तो कई बार तो पेरेंट्स उस बच्चे को अपने साथ रखने के लिए उसकी आइडेंटिटी छुपा देते हैं। ओके, और आपको बताऊँ, ट्रांसजेंडर पर्सन में होता ये, पहले ये होता था, अब तो खैर सरकार ने इसको बैन कर दिया है, कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो आके, अगर उनको पता चल जाए कि किसी घर में कोई ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है, तो उसको आके उस बच्चे को ले जाएंगे, मतलब उसको उस फैमिली के साथ रहने नहीं देंगे। तो अब सरकार ने बोला है कि भाई बच्चा किसी भी जेंडर का हो, मेल फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी फैमिली के पास रह सकता है, ये ट्रांसजेंडर्स आके उसको क्लेम करके ले नहीं जा सकते। प्लस ट्रांसजेंडर पर्सनस के खिलाफ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ केयर में, वो नॉर्मल बच्चे और बच्चियों के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी कुछ उल्टा सीधा करेगा, चाहे प्रिंसिपल चाहे स्कूल टीचर, तो भाई यू विल बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। और अगर आपने कोई ऑफेंस किया है ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट, तो फाइन तो लगाया जा सकता है, छः महीने से लेकर 2 साल तक की आपको सजा भी हो सकती है। तो एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कम से कम इतने पॉइंट्स ट्रांसजेंडर से रिलेटेड GS पेपर 2 में भी अगर आपको याद रख गए, तो आप काफ़ी कुछ लिख लोगे अपने पेपर में। और दैट्स वाई इतनी छोटे छोटे फॉर्म में मैं आपके पास ये प्रीवियस लेके आ रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आगे जाने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया, अपने दोस्तों करवा दो, वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग कर दो इसकी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो, आपसे बात करने की कोशिश करूँगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो जो इस लेक्चर की PDF के लिए, लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। गुड बाय।